हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशु ठाकुर, द्वारका होम्स में आपका स्वागत करता हूं। तो आज फिर से आपको ले आया हूं सनमति अपार्टमेंट। इससे पिछली वाली वीडियो भी इसी सोसाइटी में बनाई थी, वो 3 BHK का छोटे वाला पैटर्न था। ये बड़े वाला फ्लैट दिखाऊंगा आज आपको। इस सोसाइटी के बारे में सब कुछ पहले बता दिया था, फिर से दोबारा से एक बार फिर भी बता देता हूँ। सेक्टर 6 में है, लोकेशन बहुत अच्छी है, सोसाइटी पूरी वेल मेंटेन है, ये आप देख सकते हैं। बाहर का लुक भी, एक्सटीरियर लुक भी, सोसाइटी का पूरी वेल मेंटेन सोसाइटी है। इसमें आपको 2 कम्युनिटी हॉल भी मिल जाएंगे पार्टी और छोटा मोटा गेट टुगेदर के लिए। गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आशु ठाकुर आपका फिर से स्वागत करता हूं, आपका दोस्त एंड होस्ट। तो आज मैंने जैसे आपको बताया सनमति अपार्टमेंट बाहर का मैंने आपको सारा दिखा दिया। लोकेशन इसकी बहुत अच्छी है, सेक्टर 6 में है। आपको अगर यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ जाना है तो एयरपोर्ट पास है, जनकपुरी जाना है डाबरी होते हुए तो वो भी पास है, साउथ दिल्ली साइड जाना है वो भी पास है। कई लोग इसी रूट पे मांगते हैं, स्पेसिफिकली नेवी वाले, आर्मी वाले, कईयों की बसेस आती हैं दिल्ली कैंट जाना हो या कहीं पर भी, तो वो वाला एरिया भी यही पड़ता है। तो इस सोसाइटी में क्या है, बहुत छोटी सी सोसाइटी है, सिर्फ आपके 2-4 टावर्स ही हैं, तो बहुत छोटी सी सोसाइटी है, कॉम्पैक्ट। इसमें क्या है, आपके 3 BHK हैं, 2 टाइप के, एक छोटा एक थोड़ा सा उससे बड़ा वाला साइज, ठीक है। तो दोनों फ्लैट्स आपको दिखा दूंगा, आज आपको एक फ्लैट दिखाता हूं। तो ये है, ये बड़ा वाला फ्लैट आप देख सकते हैं। और कल मैंने आपको जो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको छोटा वाला दिखा दिया ऑलरेडी, उसकी प्राइस बता दी थी। ये इसमें थोड़ा सा बड़ा वाला साइज है, तो ये बड़ा वाला साइज आप देख सकते हैं, ये रॉ है। तो आपको ये फ्लैट दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं इसका लिविंग रूम। तो ये लिविंग रूम देखें, अभी काम सारा कराना पड़ेगा, बट धूप वाला फ्लैट है, ये देख सकते हैं। ये है इसमें आपको डाइनिंग एरिया, तो लिविंग रूम के साथ मिलता है बड़ा आपको डाइनिंग। और सबसे अमेजिंग बात है कि जैसे ही हम यहाँ से एंटर करते हैं फ्लैट में, तो हम अपने लिविंग रूम में आते हैं और ये आपको मिलता है एक स्टोर टाइप का एरिया, जो उस वाले फ्लैट में नहीं है, ठीक है। तो ये मिलता है आपको एक स्टोर, तो आप इसको पूजा घर बना लें, स्टोर बना लें, जैसे मर्जी इसको यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये एरिया आपको मिल जाता है, यहाँ पर एक अलमीरा का भी स्पेस है छोटी, तो ये अलमीरा का स्पेस मिल जाता है आपको, तो ये स्पेस मिल जाता है। और आप देखिए लिविंग रूम के इधर बड़ी विंडो मिलती है, जो स्पेशियस कॉर्नर का ये फ्लैट है, पूरा धूप वाला, जो लोग धूप मांगते हैं, सर्दियों की धूप है। 2 टाइप के फ्लैट्स में ना आपको कोई बताता नहीं है डीलर कि सर्दियों में किस फ्लैट में धूप आएगी, गर्मियों में किस टाइप में, किस फ्लैट में धूप आएगी। मोस्टली फ्लैट्स मैंने यहाँ पर लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं, फ्लैट्स गर्मियों में परचेज कर लेते हैं, धूप आ रही होती है देख के, और फिर जब उनको सर्दियां आती हैं तब उनको रियलाइजेशन होता है वो सडनली कि भाई धूप तो इस फ्लैट में है ही नहीं। क्यों, तो गर्मियों में सन होता है अपना नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और सर्दियों का जो सन है वो होता है साउथ ईस्ट, थोड़ा सा अर्थ टिल्ट हो जाती है, तो सन जो है साउथ ईस्ट से निकलता है और साउथ वेस्ट में जाता है, और गर्मियों में नॉर्थ ईस्ट से निकल के नॉर्थ वेस्ट। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, मोस्टली डीलर्स को पता ही नहीं, तो आपको समझाएगा क्या। तो जब भी आप गर्मियां स्टार्ट हो जाएंगी, बहुत सारे लोग फ्लैट्स देखेंगे गर्मियों में, तो वो फ्लैट्स देख के ना लें जिसमें गर्मियों में धूप आती है, पता लगा फिर बाद में दिक्कत हो आपको। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें कोई बताता नहीं है, ऑनेस्टी के साथ काम होता है, तो मैं तो साफ साफ बता देता हूँ आपको। इस फ्लैट में अभी सर्दियों की धूप है, अभी मार्च चल रहा है, तो कोई ऐसी वो दिक्कत नहीं है, ये सर्दियों वाली धूप है। बड़ी बालकनी मिल जाती है लिविंग रूम के साथ ही, और ये व्यू देखो, अमेजिंग व्यू है इस बालकनी का। ये सोसाइटी के बाहर कॉर्नर का छोटा सा पार्क मिल जाता है, और ये पूरा ही ऐसे ओपन रहेगा, सामने कुछ भी नहीं आना। तो ये आप देख सकते हैं पूरा पैच इस टाइप से ग्रीन पैच रहेगा, और ये बालकनी भी देख सकते हैं, और इस टाइप से ये बड़ी बालकनी मिल जाती है आपको, देख सकते हैं काफी बड़ी बालकनी मिलती है पूरी। तो इस टाइप से ये बालकनी मिल जाती है, तो आप देख सकते हैं अमेजिंग बालकनी मिल जाएगी आपको। धूप वाला फ्लैट दिखा रहा हूँ आज आपको, आ जाओ। तो अगेन आप अपने लिविंग रूम में आएंगे, उसके बाद ये मिलता है आपको डाइनिंग, तो यहाँ पर आपका डाइनिंग स्पेस है, काफ़ी सफिशिएंट साइज़ है। अदरवाइज जो 3 BHK द्वारका में स्टार्ट होते हैं वो शुरू तो हो जाते हैं 150 से लेके आपके 2 करोड़ 30 लाख रुपये तक है, 1.5 से लेके 2.30। अच्छा, कई लोगों का कन्फ्यूजन ये बहुत ज़्यादा रहता है कि सर डीलर्स रेट बढ़ा रहे हैं या रेट बढ़ा, डीलर्स नहीं बढ़ाते रेट, कई डीलर्स तो बेचारे मोटरसाइकिल पे हैं, बाइक पे, मैं खुद मोटरसाइकिल अब जाके कार पे घूम रहे हैं, तो डीलर्स कभी भी रेट नहीं बढ़ाते, बायर ही रेट बढ़ाते हैं। जब जितने ज़्यादा बायर आएंगे जिस जगह पे, उतना ज़्यादा प्रॉपर्टी बिकेगी और रेट इसलिए बढ़ता है। अच्छा, कई प्रॉपर्टीज ना, मैं कई बार क्लाइंट ओनर का फोन आता है, सर मैं ये मांग रहा हूँ आप इसको बेचो, अब मुझे ज़्यादा लगता है मैं उसको छोड़ देता हूँ, नहीं दिखाता कि यार नहीं इतना रेट नहीं होना चाहिए, इसका ज़्यादा है,
उतने में पता चलता है 1-1.5 महीने में वो फ्लैट बिक गया उसी रेट पे जो वो मांग रहे थे। क्यों? अब मैंने छोड़ दिया, किसी और डीलर ने बेच दिया, क्योंकि मार्केट में बायर बहुत ज़्यादा है, तो हायर रेट पे प्राइसेस पे फ्लैट्स बिकते हैं। कल परसों भी मुझे एक कमेंट आया था कि 1 करोड़ रुपए होना चाहिए सोसाइटी के 2 BHK का रेट। ये कौन डिसाइड करेगा? ना मैं कर सकता हूँ, ना आप कर सकते हो। आप किसी का बजट, उनका बजट 1 था तो उन्होंने बोला 1 में होना चाहिए, किसी का बजट 80 होगा तो वो कहेगा यार नहीं 80 तक होने चाहिए सोसाइटी के फ्लैट्स के रेट, किसी का बजट 50 होगा वो कहेगा यार 50 से ज़्यादा तो वर्थ ही नहीं करते सोसाइटी के फ्लैट के रेट। तो ऐसा नहीं होता, जो हमारा मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। तो इस टाइम 2 BHK का रेट जो है एक 20 से लेके आपके 1.5 करोड़ के आसपास तो 2 बेडरूम का रेट हो गया है द्वारका में सोसाइटी फ्लैट्स का। फिर DDA के थोड़े कम होते हैं और फिर बिल्डर फ्लोर और कम मिल जाते हैं आपको। तो रेट ना मैं तय कर सकता हूँ, ना कोई डीलर, ना कोई भी तय नहीं करता, बायर तय करता है। अगर एक सोसाइटी में किसी बायर ने चाहे महंगा कह लो, वैसे तो मार्केट रेट पे लेता है, बट अगर आपको महंगा लग रहा है ले लिया तो फिर वो रेट हो गया, ठीक है। तो और जितना डिले करोगे द्वारका में आपका ही नुकसान है। तो ये इसका पूरा आपको डाइनिंग मिल जाएगा, काम आपको कराना पड़ेगा। इसमें मिलती है ओपन किचन, तो ये किचन देख सकते हैं आप, काफ़ी सफिशिएंट किचन है। और ये उसी बालकनी जो दिखाई है ना, उस बालकनी से आपको एक्सेस भी मिलता है इस किचन का। ये मिल जाती है आपको किचन, पूरा काम इसमें कराना पड़ेगा, पर ये वेंटिलेशन के लिए विंडो भी है और पूरी बड़ी बालकनी भी मिल जाएगी। डाइनिंग और लिविंग एरिया इसमें काफ़ी बड़ा स्पेस स्पेशियस है दोनों। अब बेडरूम साइजेस भी देखें आप, अदरवाइज जो 1.5 करोड़ या 1.60-1.70 वाले फ्लैट्स हैं उनका साइज छोटा होता है, ठीक है। और ये साइज बड़े साइज में है, अच्छे साइज में है। ये देखो इसका साइज, ये इसका बेडरूम का साइज देखो, काफ़ी बड़े साइज में है, अच्छा साइज है। नॉर्मली आपको बताऊं तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और लगभग 13-13.5 फुट का आपका बेडरूम है। इसके साथ भी आपको बालकनी मिल जाती है, इसमें भी धूप आती है, इस बालकनी में भी धूप है। और यहाँ पे आपको कबर्ड्स मिल जाएंगे, आप चाहें तो इस पर पॉलिश हो सकती है, पॉलिश करा सकते हैं, या लैमिनेट्स इस पर चढ़वा लें, या पूरा ही चेंज कराना है तो पूरा भी चेंज करा सकते हैं, चॉइस इज योर्स। इसके साथ आपको मिल जाएगा एक अटैच वॉशरूम, तो ये मिल जाता है आपको इसमें वॉशरूम। अब मैंने आपको दिखाया इसका फर्स्ट बेडरूम दिखा दिया, अब मैं दिखाता हूँ, 2 बालकनीज दिखा दी, 1 वॉशरूम, अब दिखाता हूँ सेकंड बेडरूम। यहाँ पे आएंगे डाइनिंग से तो हमारे पास 2 बेडरूम्स यहाँ पर हैं, एक यहाँ, एक आपको दिखा दिया। ये कॉमन वॉशरूम है, ये आपका गेस्ट्स के लिए भी है और इस रूम से अटैच भी है। आप चाहें तो इसको गेस्ट बना लें या फिर इस रूम के साथ भी पर्टिकुलर दे सकते हैं, यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। पहले ये वॉशरूम देख लें फिर ये बेडरूम दिखाता हूँ। ये वॉशरूम मिल जाता है, ये सेकंड बेडरूम है, आप ये देख सकते हैं, ये इसका सेकंड बेडरूम। तो काम आपको सारा कराना पड़ेगा, वॉशरूम्स में भी सारे फिटिंग्स सब चेंज होके काम होगा और किचन में भी सारा कुछ तोड़ फोड़ करके काम होगा, तो काम सारा कराना है। ये इसका सेकंड बेडरूम है, इसके साथ ये अलमीरा सब टूट फूट के सारा काम होगा, बट अच्छा साइज का फ्लैट है ये। तो ये मैंने आपको इसका सेकंड बेडरूम दिखाया, अब दिखाता हूँ इसका थर्ड रूम। तो ये है इसका थर्ड रूम, इसका साइज भी अच्छा है और बालकनी आपको इसमें भी मिल जाती है, ये सोसाइटी के अंदर आपको बालकनी मिलेगी और बिल्कुल बढ़िया बालकनी, ये भी बड़ी। कई लोग बालकनी वाले फ्लैट चाहते हैं अच्छे खुले डुल्ले, तो ये आप देखो, मैंने अभी इस फ्लैट में ना लाइट के बिना ही कितनी रोशनी है, हर कमरे में आपको विंडो वेंटिलेशन मिल जाएगी, बालकनी मिल जाएगी। ये देख सकते हैं इसकी राउंड एक तरह से बालकनी ओवल शेप में, और इस रूम से भी एक्सेस है इसका और उस रूम से भी, और ये सोसाइटी है हमारी आप देख सकते हैं, तो काफ़ी अमेजिंग छोटी सोसाइटी है। एक सामने ये टावर्स हैं और एक हम यहाँ खड़े हैं, ये टावर्स हैं। इस टाइप से ये भी दिए हुए हैं, आपको दूसरे टावर में जाना हो तो एक्सेस अवेलेबल है। ये मैंने आपको 3 BHK विद स्टोर, बड़ा स्टोर वाला फ्लैट दिखाया, 2 वॉशरूम्स है इसमें, आपको इसमें बालकनीज मिल जाएंगी, 3 बालकनी है, बड़ी बालकनी भी है, 2 बड़ी बालकनी 1 छोटी है, तो 3 बालकनी मिल जाएंगी, किचन। अच्छा फ्लैट है जिसको खुला डुल्ला चाहिए, कॉर्नर 3 साइड चाहिए, ओपन स्पेस चाहिए, धूप चाहिए, तो उन सब में ये फ्लैट है। हाँ, अब काम आपको कराना पड़ेगा, अब जो टेस्टफुल काम अपने अकॉर्डिंग करा सकते हैं आप। कई लोग फाइनेंसर का नहीं पसंद करते, फाइनेंसर वाले काम होते हैं जो चमक चौंद वाले होते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लो, हमसे करा लो, हम करवा देंगे, या किसी से भी आप काम करा सकते हो इंटीरियर का भी। तो ये फ्लैट का जो है
इस फ्लैट की जो आस्किंग है मैं आपको बता दूं कि 190 की आस्किंग है, 1,90,00,000 काम कराना पड़ेगा। अच्छी सोसाइटी में आपको पे करना ही पड़ेगा। जो अच्छे फ्लैट है ना इस टाइप के, वो इस टाइम 180 से लेके 230 के आसपास ही है, 3 बेडरूम। अब जिनका बजट कम है तो इसमें जो छोटा साइज का फ्लैट है बताऊँ, वो शायद आपके बजट में आ जाए। स्किप ना करें, हमारे चैनल पे नोटिफिकेशन आते रहते हैं। अगर नहीं आए थोड़े थोड़े टाइम में, आप यूट्यूब पे द्वारका होम्स पे आके एक बार चेक जरूर कर लें क्या नया अपडेट आया है। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर दें, कई बार शॉर्ट वीडियोस इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ, वहीं से बिक जाते हैं फ्लैट। उसकी वीडियो बनाने का तो अब बना तो चुकी होती है, बट अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिलता, इतने तो बिक जाता है। तो कई बार इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर दें। हमारी वेबसाइट www.dwarkahomes.in। आपका फ्लैट कहीं पर भी है दिल्ली में, आपको बेचना है, आप चाहते हो उनको बेचना भी है, तो जैसे आप 99 acres, मैजिक ब्रिक पे पोस्ट कर सकते हो एड्स, वैसे ही आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके पोस्ट कर सकते हो www.dwarkahomes.in। आप गूगल प्ले स्टोर पे भी द्वारका होम्स लिख के सर्च करें, हमारी ऐप डाउनलोड कर लें, वहाँ पर भी आपको फ्लैट सर्च कर सकते हैं, एड्स भी पोस्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, रेंटेड फ्लैट्स भी मिल जाएंगे वहाँ पर। और आप अपना फ्लैट रेंट आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। द्वारका में कोई प्रॉपर्टी है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी वीडियो बना सकता हूँ, उसको सेल और रेंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप करना चाहें मेरे थ्रू, आपको मेरा काम अच्छा लगे तो, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को डायरेक्ट वेबसाइट पे आपका ही नंबर शो हो तो वो भी आप कर सकते हो। डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पे जाके अपनी प्रॉपर्टी की फ़ोटोज़ डाल दें, उसके पूरा रजिस्टर करके, उससे भी आप डायरेक्ट आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया इसका छोटा वाला फ्लैट, छोटा पैटर्न दिखाया था, आज ये बड़ा पैटर्न दिखाया। जिसको वो अच्छा लगे तो वो ले सकता है, किसी को लगे कि नहीं थोड़ा सा ही डिफरेंस है और मैं बड़ा ही लेना चाहता हूँ तो आप बड़ा वाला भी ऑप्शन देख सकते हैं। सन फेसिंग, धूप वूप सब कुछ है, ओपन सोसाइटी अच्छी है, नीट एंड क्लीन है, तो जिन लोगों का बजट थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।